अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फोर माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे अपना यूनिट नंबर टू जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज शुरू की थी और हमने एक्सरसाइज का एक पार्ट कर लिया था यानी कि थ्री क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे अब हम देखेंगे कि बाकी के क्वेश्चन क्या हैं तो चलिए लेक्चर की तरफ जी स्टूडेंट्स तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के पहले तीन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था अब हम देखेंगे कि question, कि फोर्थ क्वेश्चन 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 यानी डी डी क्या है है चलिए देखें आंसर द फॉलोइंग स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आप लोगों ने आंसर लिखने हैं तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है वट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं बहुत ट होते हैं एक्यूरेट होने का मतलब होता है हमेशा सही होना कंप्यूटर्स गलतियां नहीं करते हैं स्टूडेंट्स अगर हम लोग उन्हें गलत इनपुट ना दें अगर हम लोग उन्हें सही इनपुट और सही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो कंप्यूटर क्या करेगा हमेशा आपको सही आउटपुट दिखाएगा तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है गलती के बगैर काम करना तो चलिए लिख लेते हैं Computer does work without mistakes and errors. जी सर्वे तो इसका मतलब क्या हुआ कि computers हमेशा गलतियों के बगैर काम करते हैं इसलिए ये क्या होते हैं एक्यूरेट होते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है राइट वन लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने लिखनी है कंप्यूटर के सिर्फ एक लिमिटेशन हम लोगों ने कितने लिमिटेशंस पढ़ी हैं इस यूनिट में हमने पढ़ी हैं दो लिमिटेशंस वो क्या क्या थी स्टूडेंट्स वो ये कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन कंप्यूटर्स कभी भी अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते और इसके अलावा कंप्यूटर्स कैन नॉट डिटेक्ट रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से जो भी लिमिटेशन आपको अच्छे तरीके से याद है वो आप लोग यहां लिख सकते हैं तो स्टूडेंट्स मैं लिख रही हूं कंप्यूटर्स कैन नॉट टेक इट्स ऑन यानी के कंप्यूटर्स कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले सकते जब तक के आप कंप्यूटर को ये नहीं बताते कि कंप्यूटर ने क्या करना है कंप्यूटर को कभी पता नहीं चल सकता कि उसने क्या करना है क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स हमारी तरह सोच नहीं सकते और हमारी तरह समझ नहीं सकते कंप्यूटर तो एक मशीन है ना हमारे पास क्या है हमारे पास ब्रेन है लेकिन कंप्यूटर क्योंकि मशीन है तो कंप्यूटर सोच नहीं सकता और ना ही वो अपना फैसला खुद ले सकता है तो स्टूडेंट्स इसीलिए जब भी आप लोगों ने कंप्यूटर से कोई काम करवाना होता है तो हमें उसे क्या देनी पड़ती है इनपुट देनी पड़ती है यानी कि हमें उसे कुछ डेटा और कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं जिन पर काम करके वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर क्या लिखा कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ़ कंप्यूटर यानी कि आप लोगों ने यहां पर लिखनी है कंप्यूटर की कोई सी दो खूबियां तो चलिए लिख लेते हैं जी मैंने यहां लिखा स्पीड एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि कंप्यूटर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने यहाँ कौन सी लिखी है स्पीड एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है स्पीड यानी के कंप्यूटर्स की स्पीड हम इंसानों की स्पीड से ज्यादा होती है और कंप्यूटर ज्यादा तेजी से कामों को परफॉर्म करते हैं तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने कौन सी लिखी है हाई स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर्स के पास हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है यानी कि उनके पास सलाहियत होती है ज्यादा डाटा स्टोर करने की तो आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स अपनी तमाम तर डेटा फाइल्स को कंप्यूटर में सेव करते हैं और कंप्यूटर उनको सेव कर लेता है क्योंकि कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है तो चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स आप लोगों को याद होगा कि इस यूनिट में हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी हमने पढ़े थे कंप्यूटर्स के यूजेस याद है ना जी स्टूडेंट्स तो उन सब यूजेस में से हम लोगों ने कोई से दो यूजेस यहां पर लिखने हैं तो चलिए लिखें मैं लिख लेती हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग And playing games. जी स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्यूटर्स के काफी ज्यादा यूज़ेस पढ़े थे जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्या पढ़ा था अकाउंटिंग पढ़ी थी और हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी प्लेइंग गेम्स पढ़ा था एंटरटेनमेंट पढ़ा था और हमने पढ़ा था Art. तो स्टूडेंट्स ये काफी सारे काम है जो कि हम लोग कंप्यूटर की मदद से करते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपना लास्ट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए वो क्या है लास्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू थिंग्स यू लाइक टू डू ऑन कंप्यूटर यहाँ पर हम लोगों ने लिखनी है कोई सी दो चीजें जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद है कंप्यूटर पर करना तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी अपनी पसंदीदा दो चीजें लिखेंगे जो कि आप लोग कंप्यूटर्स पर बहुत ज्यादा करते हैं ठीक है मैं लिख रही हूं अपनी फेवरेट चीज जो कि मुझे कंप्यूटर पर करना पसंद है तो चलिए देखिए मैं करती हूं कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंटेशन और आर्ट ठीक है स्टूडेंट्स मुझे कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे कम्प्यूटर्स पर ड्राइंग करना भी अच्छा लगता है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को भी जो कोई से दो काम अच्छे लगते हैं कंप्यूटर पर करना आपने इस क्वेश्चन में वो लिखना है जैसे कि कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा गेम्स खेलना कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा कार्टून देखना और कुछ बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता होगा और कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा इंटरनेट यूज करना तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप लोगों के जो भी फेवरेट टास्क हैं वो आप लोगों ने यहाँ लिख लेने हैं ठीक है ठीके? तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर डी को अच्छे तरीके से सॉल्व अगर आप लोगों ने अभी तक इन क्वेश्चन के आंसर को नहीं नोट किया है तो स्टूडेंट्स जल्दी से इस वीडियो को रिवाइंड करें और सारे क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द जम्बल वर्ड्स तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि मीनिंगलेस हैं और हम लोगों ने उन लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो के मीनिंगफुल होंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं जी सबसे पहले है ए डी टी ए जी स्टूडेंट्स ये क्या वर्ड हो सकता है ए डी टी ए एक हिंट दे देती हूँ आप लोगों को कि ये है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जी अब तो समझ आ गया होगा रॉफ एक्शन फिगर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स डेटा तो ये वर्ड लिखा हुआ है डेटा तो चलिए नोट कर लेते हैं इसे जी तो नेक्स्ट वर्ड देखें क्या है नेक्स्ट वर्ड है सी यू सी ए टी ई आर ए तो स्टूडेंट्स बताएं जल्दी से कि ये क्या वर्ड हो सकता है हिंट दे देती हूं कंप्यूटर की वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें यह बताती है कि कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता यानी कि कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट होता है तो स्टूडेंट्स ये वर्ड क्या है यह है एक्यूरेट तो चलिए इसे लिख लेते हैं जी स्टूडेंट्स तो थर्ड वर्ड देखें क्या है थर्ड वर्ड है ई डबल एम आर ओ वाई जी स्टूडेंट्स ये एक ऐसा वर्ड है जिसको यूज करते हुए हम भी चीजों को याद रखते हैं और कंप्यूटर भी चीजों को स्टोर करता है अपने अंदर तो स्टूडेंट्स ये वर्ड क्या हो सकता है ये है मेमोरी तो चलिए इसे लिख लेते हैं जी स्टूडेंट्स तो फोर्थ वर्ड देखिए क्या है फोर्थ वर्ड है आई डी एल आई जी ई एन सी ई तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक हिंट दे देती हूं कि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की कि जो हमें ये बताती है कि कंप्यूटर ना तो कभी थकता है और ना ही बोर होता है तो so स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ड क्या है ये है डिलीजेंस कंप्यूटर की डेलीजेंस कैरेक्टरिस्टिक में ये तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर ना तो कभी टायर्ड होता है और ना ही कभी बोर्ड होता है तो चलिए स्टूडेंट्स करेक्ट वर्ड को लिख लेते हैं जी स्टूडेंट्स तो अब हमारे पास बच गया है बिल्कुल लास्ट वर्ड तो चलिए उसे देख लेते हैं कि वो कौन सा है तो नेक्स्ट वर्ड है ए एल ई सी एन ए डी आर तो स्टूडेंट्स इसका मैं हिंट आप लोगों को ये दे सकती हूं कि आप लोग अपनी एक्टिविटीज को स्केजुअल करते हैं इसको यूज करते हुए जी स्टूडेंट्स ये वर्ड है कैलेंडर तो चलिए इसे नोट कर लें जी स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे अरेंज्ड वर्ड्स अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे अगर आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और इन्हें नोट कर लें तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी स्टूडेंट्स तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द एक्टिविटी यानी कि आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी जिनको देखकर आप लोगों ने ये बताना है कि इस पिक्चर में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है कंप्यूटर को यूज करते हुए ठीक है स्टूडेंट्स तो so, चलिए सबसे पहली पिक्चर देखिए जी स्टूडेंट्स इस पिक्चर में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है तो स्टूडेंट्स ये एक कार रेसिंग गेम हम लोगों को नजर आ रही है इस स्क्रीन पर इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी क्या हो सकती है ये हो सकती है प्लेइंग गेम्स जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर देखिए जी नेक्स्ट पिक्चर को देख के हमें क्या पता लगता है कि जो यूजर है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स वो म्यूजिक सुन रहा है है ना जी स्टूडेंट्स तो ये एक्टिविटी क्या होगी लिसनिंग टू म्यूजिक जी थर्ड पिक्चर देखिए क्या है तो स्टूडेंट्स थर्ड पिक्चर में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनी हुई है है ना तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी क्या है ये एक्टिविटी हो सकती है ड्राइंग तो चलिए यहां लिख लेते हैं ड्राइंग जी अब हम देखेंगे कि फोर्थ पिक्चर क्या है तो स्टूडेंट्स फोर्थ पिक्चर में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है जी कैल्कुलेशन है टू प्लस टू क्या है टू प्लस टू फोर है स्क्रीन पर देख रहे हैं ना लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्टिविटी क्या है ये एक्टिविटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर ही क्या है ये है एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिविटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग जी तो लास्ट पिक्चर देखिए क्या है तो स्टूडेंट्स आप लोग इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है है ना जी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है जी ये एक्टिविटी है टाइपिंग प्रैक्टिस ठीक है स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोगों ने कर लिया है इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़